आज एक दिक्कतें हैं कि ओप्पो A3 से जो ISP करने के बाद डेड हुआ है सर, ठीक है सर, और इसको ठीक करेंगे। तो ये भी तुम बताओगे इसमें कि लोग ISP पिन आउट तो सीख रहे हैं पर ये नहीं समझ पा रहे कि वो डेड भी हो रहे हैं फोन उनके, तो ये भी हम बताएंगे आज इसमें, वीडियो को देखिएगा। नॉर्मल का मोबाइल है सर जो लोगों पे आके रुक रहा है। हाँ, जो अभी MMC का प्रोग्रामिंग क्या है वो लगाएंगे अभी। हाँ, जो अभी पेस्टेड ऐसे खुले हैं। हाँ, तो ये भी बोलेंगे हम कैसे हो रहा है सर। और एक सवाल है, ऑनलाइन पे प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, ठीक है, और दूसरा ये है एक सेट को CPU भी उठाया, ठीक है, और MMC IC जो है उसको भी उठाया और पावर IC भी उठा के चला। अच्छा ये बताइए, पेस्टेड हो, ब्लैक व्हाइट निकालते? हाँ, सब हो जाए, सब हो जाए। अच्छा ये बताइए, JTAG और UEFI टोटल दोनों आ जाएगा आपको इंटरफेस समझना? हाँ, कि कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे डाटा रिकवर करना है, कौन कौन से ऑप्शन क्या काम करते हैं, सब भी आ जाता है अभी, ठीक है। और एक चीज है, ये सेट क्या MMC से खराब है या पावर IC से खराब है, ये भी आ गया। ये बहुत मेन होता है कि MMC पहले चेक करें कि पावर IC चेक करें। यहाँ मैंने EMC रिपेयर करना सीखा है। जैसे मेरे पास एक था YGDP टूल से होता था कुलपेट का, तो वो क्या 98 पे जाकर अटक जाता था, लेकिन EMC उसकी निकाल कर उसको वापस से सॉफ्टवेयर मतलब करा तो वो चालू हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग की और ज्यादातर EMC की ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे या 3 घंटे? 8 घंटे की क्लास। 8 घंटे में कुछ लिखवाया, किताब कॉपी कुछ लाते हो आप लोग यहाँ पर? यही 8 घंटे में पूरा ही आ जाता था, दिमाग में ही फिट हो जाता था। ये क्या फॉल्ट आया था, थोड़ा प्रॉब्लम बताइए। डाटा इंक्रिप्शन आता है सर, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी सर, इसको MMC निकाल के सर इसके प्रोग्रामिंग करके फिर से लगा रहा हूं। दूसरा MMC लगा रहे हैं? इसमें कौन सा MMC लगा हुआ है? संदीप का लगा हुआ था, हम Samsung का लगा रहे हैं। Samsung का लगा रहे हैं सर। मैं आपकी वीडियो देख के सोचता था कि लाइफ में कुछ नहीं, बहुत कुछ मैं सो रहा है सर। हाँ, ये बात इसलिए सोच के मैं सो रहा हूं, मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो अभी क्या लगता है अब आपको, पहले के अक्रम में और अब के अक्रम में कितना फर्क है जब आप यहाँ आए थे? बहुत फर्क हो गया है। अच्छा, अब ये नहीं लगता है कि यही अगर हम बहुत पहले आ जाते हैं 4 साल या 1 साल में, तो हम कितना अपडेट हो जाते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत कुछ कर लिया होता है ना। इतने इतने आसान है कि आप मतलब बहुत आसान जल्दी सीख जाओ। अच्छा, बहुत जल्दी सर, मतलब मैं हरदम ही सोचता हूँ कि इतनी छोटी छोटी कितनी आसान से समझ में आ जाती है कि सर कितना अच्छा से बता, रिबॉलिंग हुआ वो सर जिस दिन आए 5-10 मिनट में रिबॉलिंग बता दी आप लोग, आधे घंटे के अंदर ये बॉलिंग सीख चुके थे, बॉलिंग सीख चुके थे। और बहुत सारे सर ट्रिक है जो बिना यहाँ आए आप नहीं मिस कर जाओगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये चालू हो गया है ना। तो जो ISP से डेड हुआ था वो हमने जो एक जम्पर लगा के चालू किया है ना दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हैंडसेट चालू हो गया। अभी तो ऐसे लगाना आने, इनके नहीं, एक ताली हो जाए जोर से। तो दोस्तों आप ऐसे लगा सकते हैं, अब लगा सका है, मतलब लग चुका है। अब देखते हैं चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, तो कृष्णा के लिए एक ताली हो जाए जोर से, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और एक दो मोबाइल पे हमने चालू किए CPU रिवॉल्व करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब अभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम कब घर पे जाएंगे सर, और कब अपने जो डेड मोबाइल पड़े हैं उनको रिपेयर करेंगे और प्रोग्रामिंग करके चलेंगे। EasyJTAG और UEFI सब एकदम दिमाग में बढ़ गया सर। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकॉम का चैनल। मेरे साथ में है EMMC बैच के स्टूडेंट और हमारे मिलन सर। मिलन सर आज बताएंगे कौन सा बैच चल रहा है, और इन लोगों का जो हमारे EMMC के स्टूडेंट है जो रियल आउटपुट, ये लोग यहाँ आए और उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और ये ऑनलाइन क्यों नहीं गए सीखने कम पैसों में, या हमारे पास क्यों आए और इंडिया में सिर्फ हमें क्यों चुना, तो सारी चीजें और मिलन सर बताएंगे। हाँ जी मिलन सर। सर हमारे पास ये जो बैच है 5 अगस्त का बैच है सर, ये चल रहा है। तो हमारे पास आज एक दिक्कतें हैं कि ओप्पो A3 से जो ISP करने के बाद डेड हुआ है सर, ठीक है सर, और इसको ठीक करेंगे। तो ये भी तुम बताओगे इसमें कि लोग ISP पिन आउट तो सीख रहे हैं पर ये नहीं समझ पा रहे कि वो डेड भी हो रहे हैं फोन उनके, तो ये भी हम बताएंगे आज इसमें, वीडियो को देखिएगा। नॉर्मल का मोबाइल है सर जो लोगों पे आके रुक रहा है। हाँ, जो अभी MMC का प्रोग्रामिंग क्या है वो लगाएंगे अभी। हाँ, जो अभी पेस्टेड ऐसे खुले हैं। हाँ, तो ये भी बोलेंगे हम कैसे हो रहा है सर, और उसके साथ में एक बार सबसे मिलवा दीजिए और एक बार इनका आउटपुट पूछ लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हमारे साथ ये स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? तन्ना विश्वास।
तन्मय आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। आपने पहली बात तो दो का सवाल कि आपने ऑनलाइन क्यों नहीं गए और यहाँ क्यों आए, ऑफलाइन को क्यों चुना और ऑफलाइन में एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना, और एशिया टेलीकॉम ने आपने क्या सोच के आए थे और क्या पाया, तीन सवाल है। एक सवाल है ऑनलाइन पे प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, ठीक है, और दूसरा ये है मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का वीडियो देखा था, तो एशिया टेलीकॉम में जो वीडियो था वो हम लोगों का सिखाने का जो तरीका था ना बहुत अच्छा था, तो मैंने जिस जो सोच के इधर आया था जी मेरा 20,000 चलो कोई बात नहीं आ जाए, तो आने के बाद इधर आके सिर्फ इंडियंसी नहीं पावर फाइंडिंग का जितने भी फॉल्ट होता है पावर से सबकी का नॉलेज हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर आपने क्या मतलब जो सोच के आए थे वो आपको मिला यहाँ पे पूरा? बहुत अच्छे तरह से मिला। तो एशिया टेलीकॉम को चुना आपने वीडियो देख के यहाँ पर कि हमें यही आना था यहाँ पर, चलिए ठीक है। क्या क्या बनाया आपने यहाँ पे, क्या क्या काम किया? मैंने इधर एक सेट को सीपीयू भी उठाया, ठीक है, और यूएमसी आईसी जो है उसको भी उठाया और पावर आईसी भी उठा के चला। अच्छा ये बताइए पेस्टेड हो ब्लैक व्हाइट निकाल से? हाँ सब हो जाए, सब हो जाए। अच्छा ये बताइए जेटेक और यूएफआई टोटल दोनों आ जाएगा आपको इंटरफेस समझना? हाँ, कि कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे डाटा रिकवर करना है, कौन कौन से ऑप्शन क्या काम करते हैं, सब भी आ जाता है अभी, ठीक है। और एक चीज है ये सेट क्या यूएमसी से खराब है या पावर आईसी से खराब है ये भी आगे, ये बहुत मेन होता है कि यूएमसी पहले चेक करें कि पावर आईसी, ये बहुत मेन होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ में दूसरे स्टूडेंट है भाई मिलन। ये सर हमारे दूसरे स्टूडेंट है, मेरा नाम शुभम भावसर है, खरगोन से हूँ मैं। बहुत सारी चीजों में मैं अटक जाता था, जैसे तू तो एमपी में है, एमपी से ही है, एमपी से ही हूँ मैं। बहुत सारी चीजों में अटक जाता था, जैसे सॉफ्टवेयर पर डेड हो जाते थे, या मैंने ईएमसी रिपेयर करना सीखा है। जैसे मेरे पास एक था वाईजीडीपी टूल से होता था कुलपेट का, तो वो क्या 98 पे जाकर अटक जाता था, लेकिन ईएमसी उसकी निकाल कर उसको वापस से सॉफ्टवेयर मतलब करा तो वो चालू हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग की, और ज्यादातर ईएमसी की ज्यादा प्रॉब्लम आती। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा, ऑफलाइन क्यों सीखा? मतलब ऑफलाइन में क्या रहता है कि सामने रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी आए तो बता सकते हैं। और सबसे मैं एक बात बताता हूँ, खास आपने यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस की कि जो आपको आ रहा है वो तो आपने अपना एक्सपीरियंस लगा लिया, हाँ। बाकी आपके जो साथी आए हुए यहाँ पर, हाँ। वो भी तो काफी सालों से, हाँ, एक्सपीरियंस से भी हमें नॉलेज बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला कि नहीं मिला, जो क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सर आप नहीं पूछ पाए वो पूछ लिए, तो ये हमारा एक तरह से ग्रुप में बहुत ज्यादा हमें सहायता मिलती है, जो कि ऑनलाइन में क्या होता है जो जो सिखा दिया वो सिखा दिया उसके अलावा फिर नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हम हमारे साथियों से भी सीखते हैं, जैसे सर तो बताते हैं और बहुत सारी बात करने करने में कुछ नई चीज नई ट्रिक मिल जाती है हमें। और यहाँ पर रात भर आप लोग तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे या 3 घंटे? 8 घंटे की क्लास। 8 घंटे में कुछ लिखवाया किताब कॉपी कुछ लाते आप लोग यहाँ पर? यही 8 घंटे में पूरा ही आ जाता था, दिमाग में ही फिट हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि जो जीटेक और यूएफआई की प्रोग्रामिंग सीखे तो अभी आप घर जाके कर पाएंगे या नहीं? कोई आईसी लगा सकते हो? हाँ, नहीं पेस्टेड आईसी जो है ब्लॉक पेस्टेड हो चाहे कितने भी हार्ड हो बिना बहुत को निकाले ईएमसी पहचान सकते हैं? हाँ पहचान सकते हैं, तरीके उसके नंबर रहता है, बात नंबर पढ़ना आता है, नंबर पढ़ लेंगे है ना। चलो थैंक यू। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? सर लुकमान भुट्टो। और कहाँ से आप? एमपी से हूँ सर। एमपी से हो, आप ये बताओ कि दिल्ली क्यों नहीं गए, आप अलग अलग शहर बड़े बड़े क्यों नहीं गए, हमें क्यों चुना आप? सर बहुत से यूट्यूब चैनल सर वीडियो देखे उसमें इतना कुछ समझ में नहीं आया जितना जो एशिया टेलीकॉम का क्लियर था सर एमएनसी। अच्छा आप जो अभी रिव्यू दे रहे हो यही तो रिव्यू देखे आपने? जी सर। तो बाकी लोगों के जो रिव्यू देखते थे तो आप क्या लगता था फेक है? समझ में नहीं आता था सर, आधी चीज बताते थे आधी छुपा देते थे, क्लियर नहीं हो पाता था। अच्छा यहाँ के जो वीडियो देख रहे उसमें सब क्लियर हो गया, और यहाँ आया तो जो पॉइंट जो माइंड में जो चल रहे थे वो भी सब क्लियर हो गए यहाँ पर। तो क्या बताइए कि यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया है ये बताइए? मैं ऑनर का कर रहा हूँ सर अभी ऑनर का सेट कर रहे हैं। क्या फॉल्ट आया था, ये किसका फोन है, ये क्या फॉल्ट आया था, थोड़ा प्रॉपर बताइए। डाटा इंक्रिप्शन आता है सर, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी सर, इसको एमएमसी निकाल के सर इसके प्रोग्रामिंग करके फिर से लगा रहा हूँ। दूसरा एमएमसी लगा रहे हैं? इसमें कौन सा एमएमसी लगा हुआ है? संदीप का लगा हुआ था, हम सैमसंग का लगा रहे हैं। तो ये पूरा आप करेंगे जी सर? तो इसकी पूरी नॉलेज मिल चुकी है मतलब आपको, इसको यूएफआई से भी कर सकते हो, जेटेक से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। ठीक है थैंक यू। सो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? अक्रम खान। अक्रम खान आप कहाँ से हैं? सागर दिल्ली। सागर से है आप, तो एमपी सागर है ना। सो अक्रम आप ये बताओ कितने टाइम से काम कर रहे हो इस मार्केट में? चार साल
चार पाँच साल से। और क्या चीज लैक हो रही थी आप में कि आप यहाँ आपने सोचा कि एएमसी ज्वाइन कर दे? सर मैं आपकी वीडियो देख के सोचता था कि लाइफ में कुछ नहीं, बहुत कुछ मिस हो रहा है सर। हाँ ये बात, इसलिए सोच के मैं सोचा मैं आपके पास आया। अच्छा तो अभी क्या लगता है अब आपको पहले के अक्रम में और अब के अक्रम में कितना फर्क है जब आप यहाँ आए थे? बहुत फर्क हो गया है। अच्छा अब ये नहीं लगता है कि यही अगर हम बहुत पहले आ जाते हैं चार साल या एक साल में तो हम कितना अपडेट हो जाते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत कुछ कर लिया होता है ना, नॉलेज हो गया होता है। अभी तो हमारा नॉलेज बहुत होता है, मार्केट में बहुत अच्छा नाम कर लेते हैं। तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। चलिए ठीक है, ये कुछ काम कर रहे हैं अभी बताएंगे। क्या बता रहे हैं अक्रम? ओप्पो A3s के बारे में बताएंगे। ओप्पो A3s वो जो ISP पिन आउट से डेड हो गया है। सो अच्छा ये ISP पिन आउट से डेड होने का जो रीजन है वो आपको पता है ना? तो अपन से तो डेड नहीं होगा ना, और डेड हो भी गया तो अपन उसको बना सकते हैं ना। हाँ उसको फ्लैशिंग करने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल लोग फ्लैशिंग करते हैं उसको ऑनलाइन पे लेके, बट वो होता नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, MSRE का स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? कृष्णा पटनायक। कहाँ से आप? बंगाल से। आप ही बताएं कि आपने एसर टेलीकॉम को क्यों चुना? एसर टेलीकॉम के वीडियो में जो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा तो मैं शायद बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा, तो इसलिए आए। तो आपने जब यहाँ आए तो शुरुआत में क्या महसूस किया और अब क्या महसूस कर? सर ट्रिक इतने सर मिलन सर इतने ट्रिक इतने आसान है कि आप मतलब बहुत आसान जल्दी सीख जाऊँ। अच्छा बहुत जल्दी सर, मतलब मैं हरदम ही सोचता हूँ कि इतनी छोटी छोटी कितनी आसान से समझ में आ जाती है कि सर कितना अच्छा से बता, रिबॉलिंग हुआ वो सर जिस दिन आया 5-10 मिनट में रिबॉलिंग बता दी आप लोग, आधे घंटे के अंदर रिबॉलिंग सीख चुके थे। और बहुत सारे सर ट्रिक है जो बिना यहाँ आए आप नहीं मिस कर जाओगे। हाँ मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि ये प्रॉपर तरीका होता है ट्रेनिंग का और सही तरीका सही जगह पे बेसिक है, आपको जानना चाहिए एमसी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे सब कुछ है। और वो बिना जाने अगर हम करते तो ये हमारे लिए आगे दिक्कत ही करता, खराबी करता, खराब कर। और ऊपर फिर हर फिर वो होता है ना कि हर चीज में सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन बेसिक्स में भी चाहिए आपको। तो आप अब क्या कर रहे हो? क्या है Redmi 2 का है, तो लो हैंगिंग लोगो आ गया था तो मैंने एक आईसी उठाई है, इसको प्रोग्रामिंग किया, अब इसको बैठाने वाला हूँ रिबॉलिंग करके। ठीक तो चलिए ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा तो अभी हम वीडियो को कंटिन्यू रखिए, पूरा देखिए वीडियो। और ये स्पेशल का आज दिन एक्चुअली ईद का है, सो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई है ईद की। आपका दिन सुबह और आपका साल सुबह, आपकी जिंदगी, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है। और सही रास्ते से सही रास्ता पकड़ो, क्योंकि रास्ते बहुत सारे होते हैं, गलत मेहनत भी गलत तरीके से करोगे ना तो वो भी खतों जैसी मेहनत है। सो ये कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये ओप्पो A3s ऑन हो रहा है कि चेक कर लो एक बार, जो ओप्पो A3s है ये चालू हो रही कि नहीं हो रही है? चालू नहीं हो रहा था। चालू नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे इसमें सर? एक रजिस्टर को शॉर्ट करेंगे है ना, तो करी ठीक है। चलो उस रजिस्टर को शॉर्ट करो, ठीक है। जो है जम्पर लगा लिए है, जो ISP पिन आउट से डेड हुआ था, ठीक है। अभी लगाएंगे उस बोर्ड में, पीसी में, देखेंगे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगाओ, तो ये देखिए दोस्तों ये चालू हो गया है ना। तो जो ISP से डेड हुआ था वो हमने जो एक जंपर लगा के चालू किया है ना, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। तो हमारे ये और एक जो हॉर्नर का सेट है जो कि क्या था प्रॉब्लम उसमें बताइए थोड़ा। डाटा इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम, इंक्रिप्शन था। तो हमने यहाँ पे जो कोई भी IC ले सकते हैं या कंफर्टेबल वाला ले सकते हैं? कोई भी कंफर्टेबल IC तो ढूंढना क्या, कौन सी मोबाइल में कौन सी IC लगेगी वो तो ढूंढ सकते हो आप, है ना। तो मान लो कि किसी मोबाइल में IC खराब निकला तो उसको बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? बना सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कैसे लगा रहे हैं IC को।
जो आप इससे पहले आईसी लगाते थे? नहीं, इससे पहले कोई आईसी लगाए हैं? नहीं, यहाँ किसी के है ना? ठीक, तो इसको थोड़ा कूल होने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे जो आपने प्रोग्रामिंग किए थे उस आईसी को। तो हम दोस्तों यहाँ प्रोग्रामिंग तो नहीं बना बताएंगे, प्रोग्रामिंग यहाँ आके आपको सीखना पड़ेगा है ना। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हैंडसेट चालू हो गया, अभी तो आईसी लगाना आने इनके लिए एक ताली हो जाए जोर से। तो आपने यहाँ आईसी लगाना सीख लिया, कोई भी आईसी लगा सकते हो अभी? जी सर। है ना, ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है। देखिए दोस्तों, तो हमने इसका प्रोग्रामिंग कैसे किया था, ठीक। तो मैं ये यहाँ पे क्या बताएंगे आप, ये कौन सा मॉडल है और क्या बताना चाहेंगे? माइक्रोमैक्स का 4502 का है, ठीक है। हाँ, जो सॉफ्टवेयर से ज्यादा डेड होता है और लोगों पे होता है, है ना। तो अब किसको प्रोग्रामिंग कर लिया आपने? मैं जो आईसी है इसको प्रोग्रामिंग कर लिया, ठीक है। हाँ, तो अगर मुझे बताओ कि अगर मुझसे यहाँ अगर आईसी चेंज करना होता तो चेंज कर पाते या नहीं कर पाते? अगर मान लो कि यहाँ पे आईसी नहीं था तो भी पता कर सकते या नहीं पता कर सकते, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग कर ले, अभी लगाएंगे इस आईसी को, ठीक है। तो तन्मय जी यहाँ पे ये बताइए कि आप पहले आईसी लगा चुके हैं कभी? पहले नेटवर्क का था, लेकिन ये सब बॉलिंग आईसी नहीं लगाए, ठीक है। इस तरफ से
नहीं उस तरह नहीं उठता है। तो यहाँ पे ये रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो Redmi 2 का प्रोग्रामिंग किया आपने, तो फिर रिवॉल्विंग करके बैठाएंगे। तो ये तो रिवॉल्विंग हो गया बिल्कुल परफेक्ट है ना। ठीक है चलो अब लगाएंगे आईसी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम झकास रिवॉल्विंग हुआ है। अभी आईसी लगाएंगे, तो लगाओ आईसी। माइक्रोस्कोप ले लो। माइक्रोस्कोप में देखो ना। नहीं चलो माइक्रोस्कोप चिमटी चिमटी दूर रखो अभी बीच में थोड़ा नीचे हो जाएगी और भी थोड़ा ब्रेक मारना। ठीक है तो दोस्तों ये आईसी लग चुकी है। ठीक है अभी देखते हैं ये आंसर चालू हुआ कि नहीं हुआ है। तो कृष्णा तो आईसी यहाँ पे परफेक्टली आप लगा सकते हो, चाहे सीपीयू हो चाहे पावर आईसी हो चाहे कुछ भी हो, रिवॉल्विंग कोई भी कर सकते हो आप है ना। तो देखते हैं अभी इसको थोड़ा कूल होने देते हैं। ठीक है हम देखते हैं ये आंसर चालू हुआ है कि नहीं हुआ है जो हमने प्रोग्रामिंग किए हैं है ना। तो इसकी बैटरी लगाओ। तो दोस्तों आप आईसी लगा सकते हैं, आप लगा सका है मतलब लग चुका है। अब देखते हैं चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, तो कृष्णा के लिए एक ताली हो जाए जोर से।
ठीक है, तो आप देखते हैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो लोगों पे रुका हुआ था तो आईसी खोल के आपने प्रोग्रामिंग करके फिर से लगाया है ना। दोस्तों ये बूटिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे थ्री डॉट आ चुका है और ये आगे बढ़ चुका है, तो ये हाथ अंगूठा थोड़ा अरे स्विच ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, ये थ्री डॉट आ चुका है, मतलब ये चालू हो चुका है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन दुकानदारी होगी सर। 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला है यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं ना, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। इंडिया इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। सीरियसली इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि आप कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था है तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगाया। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। सर हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब
ये भी बोलते हैं हमें बोलना है कि इंडिया के लिए बोलना, नहीं तो हम बोलते हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया टेलीकॉम को चुना। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके लेकिन इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और वीडियो में अच्छा जी सर सुना जी सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Council 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.